दुनिया के सबसे बड़े पॉलिश्ड हीरे की दिसंबर में नीलामी होनी है। न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में सोदवी को इस हीरे से 15 मिलियन डॉलर की रकम मिलने का अनुमान है। नाशपाती के आकार का यह हीरा दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिश्ड डायमंड है। इस डायमंड का नाम गोल्डन कैनरी है और इसका वजन 303.10 कैरेट है। हीरे से कम 15 मिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है। ऑक्शन के लिए इस हीरे का बेस प्राइस सिर्फ $1 रखा गया है। इसके लिए कोई भी रिजर्व कीमत नहीं रखी गई है, इसलिए हीरे की कीमत कम से कम 15 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अगर इतने में हीरा बिका तो भारतीय रुपए में इसकी कीमत 1,23,81,22,500 रुपए हो सकती है। इस हीरे का इतिहास बड़ा ही रोचक है। 1980 के दशक की शुरुआत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में एक बच्ची ने अपने चाचा के आंगन में खेलते वक्त हीरे को मलबे में पाया था। उस समय पास के राज्य के स्वामित्व वाला हीरा खदान MIBA के खनिकों ने इसे बहुत भारी और बड़ा होने की वजह से फेंक दिया था। माइनर्स को इस बात की थोड़ी भी जानकारी नहीं थी कि जिसे वे मलबा समझकर फेंक रहे हैं वो 890 कैरेट का कच्चा हीरा हो सकता है। तब यह दुनिया के सबसे बड़े खुरदुरे हीरे में से एक था। लड़की ने हीरे को अपने चाचा को दे दिया, जिन्होंने इसे एक स्थानीय हीरा व्यापारी को बेचा था। हीरे को पहली बार 1984 में अमेरिका में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में लोगों के सामने पेश किया गया था। लगभग 5 वर्षों में कच्चे हीरे को 15 फिनेस स्टोन में काटा गया। इनमें से सबसे बड़े एक फैंसी गहरे भूरे पीले रंग के हीरे का वजन 407.49 कैरेट था। फिर इसके रंग और आकार में सुधार किया गया, इस दौरान इसका वजन कम हुआ। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।